वह नेताओं को कानून का पाठ पढ़ाने से नहीं चूकती, कभी अपराधियों को धर दबोचती है तो कभी लुटेरों के छक्के छुड़ा देती है। जी, मैं बात कर रही हूँ लखनऊ की पहली महिला एसएसपी मंजिल सैनी के बारे में। मर्डर, भ्रष्टाचार और अपराधियों के बीच एक महिला का टिके रहना काबिले तारीफ है, लेकिन क्या कभी आपको डर नहीं लगता? दिस इज द डिमांड ऑफ द प्रोफेशन एंड वंस यू आर इन टू पुलिस, मुझे लगता है हमको वो जो एक बेसिक काम है पुलिस का, क्राइम कंट्रोल का और लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने का और जितना भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनसे डील करने का, सो आई थिंक वी गेट यूज टू इट। मुझे नहीं लगता ऐसे इसमें कोई डरने वाली बात है, रादर वी फील मोर प्राउड कि वी आर एबल टू हैंडल दैट पार्ट ऑफ द सोसाइटी जिसको सब लोग गलत मानते हैं, ऐसे अपराधियों से हम डील करते हैं और ज़्यादा सिंसियरली और ज़्यादा पॉजिटिवली लोग महिला अधिकारियों को लेते हैं, उनको एक विश्वास रहता है कि महिला अधिकारी है तो ये ईमानदार होगी और बिल्कुल जो न्याय संगत कार्रवाई है वो ये करेगी। मंजिल सैनी भारत की पहली विवाहित महिला आईपीएस है और साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पहली महिला एसएसपी थी। उनके तेज तर्रार वर्किंग स्टाइल के चलते लोग उन्हें लेडी सिंगम भी कहते हैं। महिला अधिकारी से महिलाएं ज्यादा अटैच्ड भी हो जाती हैं, क्योंकि महिलाओं से संबंधित यदि हम अपराध की बात करें तो बहुत सारा ऐसा अपराध होता है जो जिसके लिए वो बहुत वोकल नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको बताती नहीं है, इवन अपने परिवार में भी नहीं बताती हैं, समाज में नहीं बता पाती हैं, एंड दे वॉन्ट अ गुड पेशेंट हियरिंग एंड दे वॉन्ट अ पर्सनल हियरिंग। उनको ये लगता है कि कोई हमारी बात एक बार सुन ले, दे मे नॉट वॉन्ट टू गेट अ केस रजिस्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात करें तो उनको ये रहता है कि कोई एक बार उनके पति को बुला के समझा दे, दे डू नॉट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द फैमिली, बट दे डेफिनेटली वॉन्ट कि उनकी लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट हो, सब कुछ ठीक हो जाए। पति अगर शराब पीता है तो वो बंद कर दे, पैसे नहीं देता है तो पैसा देना शुरू कर दे, थोड़ा घर के खर्चे के लिए मारपीट ना करे, वो छोटे छोटे से लेके बड़े इश्यूज उनके होते हैं, तो डेफिनेटली एक महिला अधिकारी में वो देर एबल टू यू नो कन्फाइड इन देम, अनलाइक अ मेल ऑफिसर जिससे शायद वो अपनी बात इतना खुल के ना कह पाती हूँ। मंजिल सैनी का जन्म 19 सितंबर 1975 को दिल्ली में हुआ था। अपनी शुरुआती पढ़ाई इन्होंने दिल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से की और इसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हुई। मंजिल 2005 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। लखनऊ एसएसपी से पहले ये उत्तर प्रदेश के बदायूं, मुजफ्फरनगर, इटावा, मथुरा समेत आधा दर्जन से भी ज्यादा जनपदों में कार्यरत रही। Started my career with Mahoba, district Mahoba, then Amroha, Firozabad, Badayun, Jaunpur, Muzaffarnagar, Allahabad, Itawa, and now Lucknow. Manjil Saini ne apni training puri karne ke mahz 6 mahine baad hi 2008 mein Muradabad mein tainati ke dauran Gurgaon bahuchachit kidney racket ka bhanda phod kiya tha. वेरी वेल वर्कड आउट केस, बहुत अच्छा उसमें हुआ था एंड आई वॉज ए एस पी अंडर ट्रेनिंग दैट टाइम, तो फिर मैं रेगुलर ए एस पी जब वहाँ पर हुई वहीं मैं कोतवाली, आई वॉज सी ओ कोतवाली मुरादाबाद, उसमें एक छोटा सा झगड़ा था जो हमारे चौकी इंचार्ज दो लोगों को ले आए थे एंड इंसिडेंटली आई वॉज सिटिंग एट द चौकी ओनली, तो मैंने उनको दोनों को सुना तो मुझे उसमें कुछ फिशी लगा या समथिंग इज़ रॉन्ग दै वॉज दै, तो उसमें जो एक व्यक्ति है उसने अपना कपड़ा ऊपर करके दिखाया कि देखिए इन्होंने मेरा किडनी निकाल लिया एंड देयर वाज अ बिग स्कार ऑन हिज बेली, तो फिर मैंने उसको पूछा अलग से कि कैसे किसने तुम्हारा किडनी निकाला, तो देन ही टोल्ड मी द एंटायर एपिसोड कि मुझे नौकरी के बहाने ले गए और फिर वहाँ ज़बरदस्ती मेरा किडनी निकाल दिया एंड देन दे प्रॉमिस्ड कि उसको कुछ पैसा देंगे और उसको पैसा भी नहीं दिया। ही वॉज फाइटिंग विद अ टाउट, जो दलाल ये काम करता था, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने उस टाउट को हम लोगों ने इंटरोगेट किया, उसे पूरा एक बड़ी चेन इसमें निकल के सामने आई, एक काफ़ी इसमें मुझे लगा कि काफ़ी इसमें बड़ी लिंकेजेस हैं और उसने
उसको भी नहीं मालूम था अल्टीमेटली वो किडनी कहाँ निकाली गई है उसकी। तो उसको फिर हमने अपने कुछ पुलिस वालों को डिकॉयज के रूप में हम लोग लेकर गए और हमने प्रोजेक्ट किया कि एज इफ दे आर द पोटेंशियल कस्टमर्स, इन द सेंस कि उसकी लोकल भाषा में उसको पप्पू कहते थे। वो कहता था कि आज मैंने 2 पप्पू पकड़े हैं, मतलब पोटेंशियल डोनर्स। तो हमने उनको पप्पू बनाया और फिर उनको लेकर गए। फिर उसके बाद हाँ वही, तो उनका कोडेड वर्ड था कि आज 2 पप्पू मिल गए हैं, या मतलब ऐसे पोटेंशियल या गरीब लोग जिनका किडनी को निकाला जा सकता है। उसके बाद देन देयर वाज अ लिंकेज टू मेरठ, मेरठ के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद जयपुर एंड गुड़गांव। तो हम लोगों ने फिर मल्टीपल रेड्स, देन आई टोल्ड माई देन SSP, उनको हमने बताया सर कि ऐसे ऐसे है, तो वी गेव अ फ्री हैंड। उन्होंने बोला ठीक है आप काम कर लीजिए। एट दैट टाइम वी डिडंट नो कि वास्तव में इतना कुछ होगा, बट इट केम आउट टू बी अ वेरी बिग स्कैंडल। मंजिल की माँ रानी सैनी कहती हैं, बहुत अच्छा लगता है जब बेटी ने IPS किया और वो भी आफ्टर मैरिज। मुझे मतलब बहुत ही प्राउड फील होता है कि मैं ऐसी बेटी की माँ हूँ कि जिसने मतलब देश में क्या पूरे जहान में नाम रोशन कर दिया, किडनी रैकेट के टाइम पूरे जहान में नाम रोशन कर दिया। मेरी फैमिली में मुझे ऐसा कहीं से नहीं कोई आया, बिकॉज माय फादर वाज आल्सो इन पुलिस, वो दिल्ली पुलिस में थे और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। थोड़ा सा एक हिच था कि लड़की है तो अब पुलिस में है जाएगी, बट बिकॉज आई वाज जॉइनिंग अ एलीट प्रोफेशन, इस सर्विस को ज्वाइन कर रहे थे, तो इस तरह का कहीं से आया नहीं। इनफैक्ट माय इन-लॉज एंड माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव। मंजिल सैनी किरण बेदी को हमेशा से अपना आदर्श मानती हैं। उनका कहना है कि स्कूल के दिनों से उन्हें किरण बेदी को देखकर भीतर से कुछ उसी तरह का करने का दिल करता था। कहा जाता है कि 2013 में आपको मुजफ्फरनगर से अगर नहीं हटाया जाता तो वहाँ दंगे नहीं होते, क्या ये सच है? मतलब आप इस बात से कहाँ तक सहमत होती हैं? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि 2013 में जो एक अनफॉर्चुनेट एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उसमें मैं और हमारे DM जो मेरे ही बैचमेट थे, हम दोनों का ट्रांसफ़र हुआ था। और उसके बाद आफ्टर 10-11 डेज जो एक रायट्स हुए थे वो हुए थे वहाँ पर, उसमें बाद में एक जुडिशियल इंक्वायरी भी हुई जिसमें हमारे भी बयान लिए गए थे, और उसमें ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट होकर आई है कि अगर वहाँ पर DM SSP का ट्रांसफ़र नहीं होता तो शायद ये ना होता। लोगों का आज भी ये मानना है कि लड़कियों को पुलिस सेवा में नहीं जाना चाहिए, बहुत सारे पेरेंट्स डरते भी हैं लोगों को वहाँ, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि करप्शन बहुत है, लड़कियाँ क्या करेंगी, शादी करें, बच्चे करें, घर बसाएं। अगर हम केवल परसेप्शन की बात करें मेजॉरिटी, तो मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे लगता है ना केवल कॉन्स्टेबलरी लेवल पर बल्कि IPS लेवल पर भी काफ़ी हद तक लड़कियाँ प्रेफर करती हैं कि वो IAS या IRS दूसरी सर्विसेज में जाना पसंद करती हैं। कम है रिलेटिवली जो प्रोपोर्शन है पुलिस में आने का, वो आज भी कम है। कॉन्स्टेबलरी लेवल पे और भी ज़्यादा दिक्कतें हैं, आपको थाने में ड्यूटी करनी होगी, रात को ड्यूटी करनी होगी, तो इस तरह की जो हार्डशिप्स हैं वो आती हैं। पर पर्सनली आई फील देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ चेंज। अब तो आप देखिए तो बॉर्डर पे भी हमारी महिलाएं बॉर्डर भी संभाल रही हैं, और चाहे हम स्पेस की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, आई थिंक विमेन हैव अर्न बेटर नेम एंड दे हैव बिकम मोर फेमस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। मंजिल, आज के समय में महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण है, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत के बल पर सब कुछ पाया है। एक आदर्श नारी जो स्वयं की पहचान और पद को निभाने के साथ साथ परिवार, पति और बच्चों की जिम्मेदारी को भी निभा रही है। ऐसे में मंजिल सैनी को देश की बेटी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।